जी अपन देसी घी है, आधा किलो देसी घी है जिसको अपन गर्म कर रहे हैं। इसमें 1 किलो अपन गुड़ मिला रहे हैं। वैसे तो अपन घी ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें 1 किलो तक घी डाला जा सकता है, लेकिन अभी हम कम ही डाल रहे हैं। और ये गुड़ इसमें डाल दिया गया है, जो कि अपन महीन महीन, जिससे कि जल्दी से जल्दी अपनी लपटी बन के तैयार हो जाए। गुड़ की और घी की जो एक वो होती है, उसको लपटी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि लपटी की पूरी प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर बार लोग बनाते हैं और लपटी की वजह से ही पूरा पूरा गुड़ या पूरी जो मेहनत है वो कड़ी हो जाती है। गुड़ को यदि ज़्यादा देर तक सिझा देंगे तो पूरा कड़ा हो जाता है ये। मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं इसमें, लपटी ढंग से नहीं बना पाते हैं, तो इसमें आप ध्यान से देख लीजिए कि लपटी कैसे बनाई जाती है। ये आप गुड़ गोंद के गुड़ लड्डू में, तिल के लड्डू बनाने में, सब में एक ही तरह की लपटी यूज होती है। तो लपटी बनाने की विधि जो कि हम बताए जा रहे हैं, गुड़ बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के रूप में देखिए आप। खुशबू आने लग गई है, तेल घी की और गुड़ की बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू है। इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि लोग इसी में गलती करते हैं, तो आप इसमें गलती ना करें कि लपटी कैसे बनाई जाती है। और आप ज़्यादा देर तक नहीं सेकें, बिल्कुल जितना जिसमें सेका गया है उससे ज़्यादा कि नहीं सेका गया है, बस ये बन के तैयार हो चुकी है अपनी लपटी। ये अपनी लपटी इसमें बन के तैयार हो चुकी है। जल्दी घेरो, ये घेर पहले। हाँ ये ऐसे लपटी में कैसे डाला जाता है, ऐसे बिल्कुल एक एक हाथ से डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और लपटी को मिलाते रहें साथ में।
गोंद के लड्डू को भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, लपटी बना के और उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं वो डाल दो, और इसी प्रकार से जो उसे मिला रहे हैं उस प्रकार से मिलाइए, और आपके गुड़ के लड्डू भी तैयार हो जाते हैं ऐसे ही। तो मिला घी कम रहे हो? मिलेगा ना घी कम रहे हो? हमारे यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं, उसमें मिला घी कम हो गया। मिला है जब से ना मैंने मिला पहले कहा था कि 1 किलो घी, 1 किलो गुड़ में 1 किलो घी लगता है, लेकिन घी कम होने के कारण हमें दोबारा और घी डालना पड़ रहा है इसमें। तो आप ऐसी गलती ना करें, तो 1 किलो घी में 1 किलो गुड़ होना चाहिए, यह सबसे सही कंटेंट्स होता है। यदि अपन